अनवांटेड किट मैनकाइंड का प्रोडक्ट है और अनवांटेड किट को कैसे और कब लेना है ये सब जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो पर। अनवांटेड किट पर ऐसे 5 टैबलेट रहता है, ऊपर में बड़ा वाला रहता है और नीचे में 4 टैबलेट छोटा छोटा सा करके रहता है। सपोज आप सोच रहे हैं कि टैबलेट आज से लेता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रात को वो बड़ा वाला टैबलेट आज रात को ले लीजिए खाना खाने के बाद, और जो बचा हुआ 4 टैबलेट है उसको आप परसों लेना होगा। परसों में 2 टैबलेट ब्रेकफास्ट करने के बाद एक ही साथ में ले लीजिएगा, और जो बचा हुआ 2 टैबलेट है वो दोपहर को ले लीजिएगा एक ही साथ में। अब मैंने जैसे भी बोला है, मतलब आज से चालू कर रहे हैं तो आज लेना होगा और 4 परसों को लेना होगा। ऐसे करके आप दूसरे दिन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक दिन गैप करके लेने के लिए बोला है वैसे आप एक दिन गैप करके कभी भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आज सुबह को ब्लीडिंग नहीं हुआ आपको, लेकिन आपने कल वो बड़ा वाला टैबलेट ले लिया था, तब इस समय आप घबराइएगा मत, क्योंकि किसी किसी को 5 टैबलेट लेने से तभी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और किसी किसी को 1 वो बड़ा वाला टैबलेट लेने से स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब चलो 1 खा के ब्लीडिंग स्टार्ट तो हो गया, 4 टैबलेट नहीं लेते, ऐसा मत करिएगा। आपको 5 टैबलेट लेना ही होगा, ब्लीडिंग हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। अगर 5 टैबलेट ले लिया आपका ब्लीडिंग स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, तब आप फिर गायनो के डॉक्टर के पास जा सकते हैं और कंसर्न कर सकते हैं इस बारे में कि ब्लीडिंग नहीं हुआ है। अगर किसी महिला को कंसीव हुए हुए सिर्फ 60 दिन हो रहा है, यानी कि 2 महीना, तभी ले लीजिएगा इस टैबलेट को। अगर किसी महिला को 60 दिन से ज़्यादा हो रहा है कंसीव हुए हुए, तब इस टैबलेट को मत लीजिएगा, क्योंकि 60 दिन के ऊपर ये टैबलेट काम नहीं करेगा और उस समय आपको गायनो डॉक्टर से एक बार मुलाकात करके अच्छे से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या करना है और कैसे ऑपरेशन करना है।